श्री मनीष तिवारी जी ने सबसे पहले और बाकी काफी सारे सदस्यों ने, अंत तक श्री प्रेमचंद्रन जी और बाकी सारे सदस्यों ने, शशि थरूर जी ने भी आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए इस बिल को गैर संवैधानिक करार दिया। मैं माननीय अध्यक्ष जी, सभी सदस्यों को, सदन को और आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को, सदस्यों के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि किसी भी डायमेंशन से ये बिल गैर संवैधानिक नहीं है, ना आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार दिया है उसके तहत मैंने पहले भी कहा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर कानून बनाने से आर्टिकल 14 में कोई रोक नहीं है। मान्यवर, अच्छा तो ये था कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता। अगर ये देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो बिल लेकर मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, ये वास्तविकता है। वास्तविकता को इस सदन ने स्वीकार करना चाहिए। जब विभाजन धर्म के आधार पर होता है तो आप इसको स्वीकारे बगैर आगे नहीं चल सकते हो। धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, जिस हिस्से में मुस्लिम भाई ज्यादा रहते थे उस हिस्से में को पाकिस्तान के नाम से अलग देश बनाया गया और भारत का बचा हुआ हिस्सा भारतीय संघ के नाम से प्रस्तापित हुआ, जो आज हमारा भारत देश है। आगे चलकर पाकिस्तान के में भी पश्चिम पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश में तब्दील हुआ, मगर बीच में एक विभीषिका आई, दोनों ओर से शरणार्थियों का आना जाना, मार काट, बलात्कार, लूट, ढेर सारे परिवारों ने यातना को झेला है। जिन्होंने विभाजन की यातना को झेला है वो ही बता सकते हैं मान्यवर कि ये यातना कितनी कड़ी और कठिन। इसके बाद क्या हुआ मान्यवर? नेहरू लियाकत समझौता हुआ। 1950 में दिल्ली में एक नेहरू लियाकत समझौता हुआ और वो समझौते के तहत ये निश्चित किया गया कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे। भारत भी रखेगा, पाकिस्तान भी रखेगा और बाद में बांग्लादेश बना। मान्यवर, मैं ये सब इसलिए बताता हूं कि ये जो बिल लेकर सरकार आई है इसकी एक पृष्ठभूमि और ये दोनों देशों के सरकारों ने एक दूसरे को विश्वास दिलाया था कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी हैं उनके ही पाकिस्तान ध्यान रखेगा। यहां पर भी जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, उसका हिंदुस्तान ध्यान रखेगा, भारत ध्यान रखेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं मान्यवर, ऐसा हुआ नहीं। मैं उस पर बाद में आऊंगा, मगर 1950 का नेहरू लियाकत समझौता मान्यवर धरा का धरा रह गया। लघुमति को हम नागरिक बनाने का वादा इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं, माइनॉरिटी को नागरिक बनाने का वादा कर रहे हैं। वो तीन देशों के संवैधानिक स्टेटस पर जाना चाहता हूं, उनके राज्य की स्थिति पर जाना चाहता हूं। मान्यवर, अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के अनुच्छेद 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया है। पवित्र धर्म इस्लाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है, मतलब वहां पर इस्लाम को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता दी है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश जब बना तब तो उसका संविधान सेक्युलर था। 1988 में इसमें बदलाव किया गया और इसमें लिखा गया रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है। ये तीनों देशों के अंदर राज्य धर्म इस्लाम है, इसको मान्यता हमने नहीं दी है मान्यवर। वहां के मैं आता हूं, सब बोलूंगा भाई।
एक एक चीज का जवाब दूंगा बाद में, आपको चाहिए तो कल सुबह तक बैठूंगा, मुझे टोकिए मत। माननीय तीनों राज्यों के देशों के जो धर्म संविधान के अंदर लिखे गए हैं वो बताना इसलिए जरूरी है कि वहां पर माइनॉरिटी को न्याय मिलने की संभावना इसी से क्षीण हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है। माननीयवर 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा, ध्यान से सुनो, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% थी और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गई। माननीय बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। माननीय कहां गए लोग, कहां गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या तो भारत में आए, या तो मार दिए गए, या तो प्रताड़ित कर भगा दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग विरोध करते हैं, ये माइनॉरिटी का, ये अल्पसंख्यक जो हिंदू सिख बौद्ध ईसाई जैन पारसी है क्रिश्चियन है, इनका दोष क्या है, क्या दोष है उनका? उनको इस प्रकार से छीन कर दिया गया। हम चाहते हैं मान्यवर कि उनका अस्तित्व बना रहे और सम्मान के साथ दुनिया के पर्दे। भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भारत में क्या हुआ। मान्यवर, भारत के अंदर 1951 में, भारत के अंदर 1991 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहां पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। और मुस्लिम 1951 सुन लो भाई, 1951 में मुस्लिम, मान्यवर 1951 में यहां पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं आगे पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना। परंतु धर्म के आधार पर अगर पड़ोस के देश के अंदर धर्म के आधार पर वहीं की अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, तो भारत मुख दर्शक बनकर रह नहीं सकता। उनको बचाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको स्वीकारना। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार संसद को कानून बनाने से, समानता का अधिकार जिसमें न हो ऐसे कानून संसद नहीं बना सकती। मैं मानता हूं, मगर ये कोई क्लास के लिए नहीं हुआ है, कोई एक धर्म के लिए नहीं हुआ है, एक क्लास के लिए हुआ है, माइनॉरिटी के लिए हुआ है। हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी क्रिश्चियन ये सारी माइनॉरिटी के लिए हुआ है। अगर इसमें से सिर्फ पारसियों के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर आड़े आता। मान्यवर, अगर सिर्फ बौद्धों के लिए करते आर्टिकल 14 जरूर सामने रास्ते में आता, सिर्फ हिंदुओं के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 जरूर इसका वायोलेशन होता, सिर्फ सिखों के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 का जरूर वायोलेशन होगा। मगर एक प्रताड़ित क्लास के लिए, प्रताड़ित माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून करते हैं तो आर्टिकल 14 कहीं पर। अगर हमने कोई रेफ्यूजी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है, और शशि थरूर जी ने कहा, मैं फिर से श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है सदन के सामने रिपीट करना चाहता हूं, ये सरकार मानती है कि कोई रेफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, हमारा कानून पर्याप्त है, भारत सरकार तय करे वो सारे रेफ्यूजी को शरण दे, कोई रेफ्यूजी की जरूरत पॉलिसी की जरूरत नहीं। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है,
फिर भी वह बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से अध्यक्ष जी, उन्होंने एक बड़े शान से एक शेर पढ़ा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। मैं यही कह रहा हूं, लम्हों ने सजा की थी, लम्हों ने गलती की थी, खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। मगर अब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लम्हों की खता अब नहीं होगी, ना सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा। माननीय, ये खता हम नहीं करने वाले। ये बिल लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नर्क जैसे जीवन से उनको मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है और मुझे बहुत आनंद है कि आज ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए थे, उनको नागरिकता और संवैधानिक सम्मान देने का काम ये बिल के माध्यम से, जब ये बिल पारित होगा, हो जाएगा। अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सारी चीजों का रिपीटेशन भी हुआ है, मगर मैं एक एक कर सभी का जवाब जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि ये बिल के बारे में जो अपप्रचार हो रहा है, जो भ्रांति फैलाई जा रही है, मैं नहीं चाहता कि इस बिल के माध्यम से, इस सदन की चर्चा के माध्यम से भारत के किसी भी कोने में वो भ्रांति फैले, ना वो भ्रांति टिक पाए। मगर जिन्हा साहब ने जब टू नेशन थ्योरी इवॉल्व करी, प्रसारित करी और विभाजन हुआ, आप कांग्रेस पार्टी ये बताए, भला विभाजन क्यों स्वीकार किया, रोका क्यों नहीं, क्यों रोका नहीं, तो किसने साइन किया? मान्यवर, महात्मा गांधी ने कहा था, कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो मां गांधी जी के मृत एक पर होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर, मान्यवर, धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था, ये ऐतिहासिक सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं, एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत, बैकग्राउंड है ही, हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी? उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है, हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए, हमें कोई नफरत नहीं। और आप, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है, इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है, वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं देखी। मान्यवर,
सुप्रिया बेन ने कहा कि 370 का मैं जब बिल लेकर आया तो अब 371 के लिए क्या करना है। मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि 370 और 371 में अंतर है। 371 किसी को अलग संविधान नहीं देता है, 371 किसी को अलग झंडा नहीं देता है, 371 अलग राज्य की या राष्ट्र की मांग करने के लिए किसी को नहीं उकसाता है। 371 को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 371 को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे। पूरा अरुणाचल, टाफी गांव जी सुन लीजिएगा, पूरा अरुणाचल इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, अरुणाचल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा मिजोरम, एमपी साहब सुन लीजिएगा और मिजोरम वाले भी सुन ले टीवी पर, पूरा मिजोरम इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, किसी को चिंता करनी चाहिए। मान्यवर, पूरा नागालैंड इनर लाइन परमिट से दीमापुर के छोटे से हिस्से को बात कर पूरा प्रोटेक्टेड है, पूरे नागालैंड को चिंता करने की जरूरत है। मणिपुर आज प्रोटेक्टेड नहीं है, मगर हम ये बिल तभी नोटिफाइड करेंगे जब मणिपुर को इनर लाइन परमिशन दे दिया जाएगा। त्रिपुरा के अंदर भी त्रिपुरा ट्राइबल एडीसी क्षेत्र में सीए भी लागू नहीं होगा और एक हाई लेवल कमिटी ट्राइबल समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जो बनाई थी उसको और विस्तृत कर उनके सारे हितों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर। मेघालय लगभग पूरा, थोड़ा हिस्सा छोड़कर सिक्स शेड्यूल के प्रावधानों के अंदर कैप के बाहर है, मेघालय को भी चिंता करने की जरूरत है। आसाम समझौते के अंदर 1985 से समझौता हुआ, मान्यवर, कांग्रेस ने क्लॉज 6 को कभी नहीं अमल में लाने की चेष्टा की। हमने क्लॉज 6 के अंदर कमेटी बना दी है, आसाम के लोगों को ही कमेटी है, वो स्पीड से अपना काम कर रही है, जो आसाम के मूल निवासियों के सभी अधिकारों की, उनकी भाषा की, उनके साहित्य की, इनकी बोली की, इनके पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, ये सब चीजों की चिंता करेगी और वो कमेटी जल्द ही अपना रिपोर्ट देगी, तो आसाम को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीटीसी कार्बी आंगलोंग डीमा हसाव एडीसी सीएबी के बाहर है और आसाम के 6 समुदायों के लिए भी सुबह मैंने कहा इस प्रकार से हम अलग से विचार कर रहे हैं। माननीय शशि थरूर जी ने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। शशि थरूर जी, कांग्रेस के शासन में जितनी बार भी आजादी के बाद सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया वो धर्म के आधार पर ही दिया था। मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि विभाजन ही धर्म के आधार पर, तो जारे सारे जो शरणार्थी आए थे वो हिंदू, ज्यादातर हिंदू और सिख थे, बहुत जैन पारसी भी थे, थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी थे, तो सबको पहली बार, सबसे पहले अगर किसी ने नागरिकता देना का काम किया तो श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपकी सरकार। और देश का विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ था। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, नेहरू लियाकत समझौता अगर स्पिरिट के साथ लागू होता, वहां के अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के सिखों के धर्म की, परिवारों की सुरक्षा होती, हिंदुओं की होती, बौद्धों की होती, क्रिश्चियनों की होती, पारसियों की होती, बांग्लादेश के भी होती, तो आज उनको यहां न आना पड़ता। परंतु नेहरू लियाकत समझौता 1950 में जो हुआ वो काल्पनिक समझौता था, वो फेल हो गया, समय की वास्तविकता पर वो खरा नहीं उतरा और इसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल को लेकर इस सदन के सामने आना। ये सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच में मौलिक अंतर है। जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर अपने घर की स्त्रियों के इज्जत बचाने के लिए, स्वधर्म में जीने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए यहां आता है वो शरणार्थी है, और वो जो विदाउट परमिशन घुस कर आता है वो घुसपैठिया है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है और ये बिल शरणार्थियों के लिए है, ये बिल धार्मिक लघुमतियों के लिए। जो शरणार्थी नागरिक बनने जा रहे हैं वो सबको कहना चाहता हूं कि एक अपर प्रचार हो रहा है कि आप राशन कार्ड निकाल दो वरना आप विदेशी हो जाओगे।
आप एक निकाल दो वरना विदेश लाइनों की लाइनों लगा दी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड हो न हो आपको ये विधेयक शक्ति देगा, आप नागरिक बन सकते हो। किसी को मैं इसलिए कहता हूं मनोहर कि कुछ पार्टियां भ्रम फैलाए कि हम ही आपको बचा सकते हैं, हम बचा लेंगे, आइए राशन कार्ड निकाल दीजिए, आइए एक सर्टिफिकेट ले जाइए, आइए वो ले जाइए। मान्यवर मैंने कहा है डॉक्यूमेंट है नहीं है, डेट चली गई है, आधा है अधूरा है पूरा नहीं है, सबको नागरिक बनाना है भाई, कोई जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने कहा कि एनआरसी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ट्रैप, मान्यवर इसमें कोई ट्रैप नहीं, एक सीधा साधा लेजिस्लेशन है जो तीनों देशों से आए हुए धार्मिक लघुमतियों को शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा, मगर ट्रैप उनको जरूर लग सकता है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते, उनको ट्रैप जरूर लग सकता है। मैंने जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं उनको हम सफल नहीं होने देंगे, हम नहीं होंगे, ये ट्रैप उनको इसलिए जरूर लग सकता है। और मैं कहना चाहता हूं बंगाल के सारे सदस्य दोनों ओर से उद्दिलित यहां के भी वहां के भी, मैं कहना चाहता हूं कि लाखों लाखों लोगों को जो नागरिकता मिलने वाली है वो सारे बंगाली शरणार्थी है। क्या आप नहीं चाहते कि बंगाली हिंदू बौद्ध सिख क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता मिले? थोड़ा टॉन्ट में कहा कि पीएम कहते हैं कि सरकार का धर्म संविधान है, मैं पूरी गंभीरता के साथ और सदन के अंदर बहुत गंभीरता और विश्वास के साथ देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है इस सरकार का धर्म और कोई नहीं है, भारत का संविधान ही हमारा धर्म है और भारत के संविधान के आधार पर। बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माइनॉरिटी की बात करेंगे, तीनों राज्यों का धर्म जब इस्लाम होगा तो वहां इस्लामिक लोग कैसे, इस्लाम के अनुयायी कैसे माइनॉरिटी हो सकते, हमारी व्याख्या संकुचित नहीं है, वहां के संविधान का प्रोविजन ऐसा है जो मुस्लिमों को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देता है, इसलिए नहीं। इस देश में इतने सारे मुसलमान हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है, सब जी रहे हैं, और यहां चित्र ऐसा बनाया जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं है। मान्य पाक ऑक्युपाई कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं, और आज भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 26 सीट हम इसके लिए रिजर्व रखे हैं, 24 सीटें रिजर्व रखे हैं। आपको मालूम नहीं है, बोलना सरल है और बोले के हिसाब से करना बड़ा कठिन है। मत विभाजन का परिणाम मत विभाजन सिद्धि के अधीन 311 निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोबी खोल दी जाए। देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? मुझे सब इस बात का है कि आज हुकूमत को जिसने संविधान पर वोट दिया आज इस्लाम से मुसलमानों से इतनी नफरत। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है, हमें कोई नफरत नहीं है, खून बहाने का बाद वो हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तान को तोड़ना नहीं जोड़ने का काम करो। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। तो 370 कलम हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में इस भारत देश के कई राज्यों से कितने लोग जाके वहाँ सेटल हो गए? कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर।